केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का अभिनंदन एवं कर्मचारी समन्वय समिति के नव नियुक्त पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन शनिवार को नगर निगम के सदन भवन में महापौर सीताराम जायसवाल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी को महापौर सीताराम जायसवाल सहित समस्त पार्षदों ने माला पहनाकर एवं स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया। इस मौके पर कर्मचारी समन्वय समिति के नव नियुक्त पदाधिकारियों को केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने शपथ दिलाया। महापौर सीताराम जायसवाल ने केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के स्वागत संबोधन में कहा कि नगर निगम सदन में पार्षद के रूप में जनता की सेवा करने के बाद अपने कुशल कार्यों के आधार पर राजनीति का एक लंबा सफर तय करते हुए देश की सबसे बड़ी पंचायत में 6 बार जनता के द्वारा निर्वाचित होकर पहुंचे। इस मौके पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि मैं काफी गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय महामंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, पूर्व डिप्टी मेयर चिरंजीव चौरसिया एवं पूर्व एवं वर्तमान पार्षदगण अजय राय, संत राज शर्मा, रिंकी देवी, राधेश्याम रावत, राम लवट, राजेंद्र कुमार तिवारी, अभिषेक निषाद, चंद्रशेखर सिंह, आलोक सिंह, विशेन, जितेंद्र सैनी, बबलू प्रसाद गुप्ता, संजय श्रीवास्तव, देवेंद्र कुमार गौड़, पिंटू, चंद्र प्रकाश सिंह, गोली, ओम प्रकाश शर्मा, मदन लाल अग्रहरी, उमेश चंद्र श्रीवास्तव, अशोक मिश्रा, जितेंद्र चौधरी जीतू, मीरा श्रीवास्तव, पूर्व पार्षद ममता लाल यादव मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, आज के समारोह में आए हुए सुधीर हृदय की गहराई कनौजे जो मनाली के सदर विधायक के साथ प्रातीत सभी लोगों से गुजारिश जो इस कार्यक्रम में लंबा नहीं है, ये कार्यक्रम दो पद ग्रहण समारोह और दूसरा महापौर और अपने धर्मेंद्र सिंह को मल्लार्पण कर स्वागत कर रही प्रकाश से अपने
सभी कर्मचारियों के साथ आज शपथ ग्रहण लेंगे। आज हमारे मंत्री जी हम लोगों के बीच में हैं, ये शपथ ग्रहण कराएंगे। साथ ही साथ अभी रुक जाइए और पंकज चौधरी जी गोरखपुर में रह करके रात्रो के नाम से आपने अपना कई प्रदेशों में व्यापार किया है और गोवाता के साथ रात्रो देश के अनेक राज्यों में जा रहा है। ये हमारे लिए हर्ष की बात है कि हमारे बीच का व्यक्ति इतने बड़े पद पर जा करके आज भारत सरकार पूरे देश का नेतृत्व करेगा। साथ ही साथ आप लोगों को यह जानकर खुशी होगी कि 6 बार महाराजगंज से सांसद रह चुके हैं। मैं इनकी काबिलियत, इनकी गुणवत्ता, पार्टी के प्रति समर्पण को देख करके आपको वित्त राज्य मंत्री का पद दिया है। इससे हम लोगों को, हमारे पार्षदों को सीख लेनी चाहिए कि जिस पार्टी में आप हैं पूरे लगन और निष्ठा रख करके आप भी किसी न किसी दिन इस पद पर पहुंच जाएंगे। एल्बम नहीं बनाएगा। मैं नगर निगम कर्मचारी सौरभ सोलंकी का निर्वाचित हुआ हूँ। इस वक्त की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं संगठन द्वारा स्थापित संविधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जिस पद को ग्रहण करने का वाला हूँ उसके कर्तव्य का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं कर्मचारी संघ के अध्यक्ष महोदय को साथ उनके सभी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि जिस लिए उन्होंने अभी शपथ लिया है उस कार्यों में अपने कार्यों का कर्तव्य को निर्वहन करें। आज मुझे बहुत प्रसन्नता है कि जिस हाल से मैं राजनीति शुरू किया था आज वहाँ भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री के रूप में मुझे बैठने का अवसर मिला और मैं धन्यवाद दूंगा अपने मेयर साहब को, यहाँ के सभी कर्मचारियों को, अधिकारियों को, उन्होंने मेरा यहाँ पर स्वागत किया और मेरे लिए आज बहुत ही प्रशंसा का विषय है कि जहाँ से मैं राजनीति शुरू किया था आज मेरा सम्मान वहाँ पर किया जा रहा है। आज के अवसर पर इतना ही मैं धन्यवाद।